बोल्ड स्काई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा की। फेंग शुई टिप्स के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। फेंग शुई की माने तो लाफिंग बुद्धा को घर, दुकान या कार्यस्थल पर रखना अच्छा माना गया है, लेकिन फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा को अपने लिए खरीदना अच्छा नहीं माना गया है। जी हाँ, आज ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें लाफिंग बुद्धा से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले लाफिंग बुद्धा का महत्व जान लेते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। घर में लाफिंग बुद्धा रखना तभी शुभ साबित होता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे गिफ्ट करे। लाफिंग बुद्धा को अपने लिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए, शायद इस बात को कम लोग जानते होंगे। दरअसल लाफिंग बुद्धा का संबंध चीनी ज्योतिषविद फेंग शुई से है। भारत में अमूमन लोग लाफिंग बुद्धा को सजावट की चीज के रूप में जानते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लाफिंग बुद्धा को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी घर में रखते हैं। चीन के लोग लाफिंग बुद्धा की खरीदारी को लेकर बेहद सख्त होते हैं। वो कभी लाफिंग बुद्धा को अपने लिए खुद नहीं खरीदते। इसके पीछे की मान्यता ये है कि किसी भी व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वो अपने लिए धन और खुशहाली की कामना के लिए लाफिंग बुद्धा खरीद कर ले आए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने लिए ही लाफिंग बुद्धा खरीदते हैं, उन्हें कभी भी इस अलौकिक मूर्ति से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। ये सिर्फ सजावट की वस्तु बनकर ही रह जाता है और जिस उद्देश्य यानी धन, खुशहाली और सकारात्मकता की प्राप्ति के लिए आप इसे खरीद कर लाए हैं, वो फलित नहीं हो पाता, यानी अच्छे रिजल्ट उसके आपको नहीं मिल पाते। इसीलिए तभी आपके लिए फलदायी होगा जब कोई व्यक्ति इसे बिना किसी स्वार्थ और सामने वाले का हित सोचते हुए आपको भेंट करे। तो अब तो आप जान गए ना लाफिंग बुद्धा की इम्पोर्टेंस के बारे में। इसीलिए अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे थे कि आपको लाफिंग बुद्धा घर में लाकर रखना है, शायद उससे बरकत हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। लाफिंग बुद्धा अपने घर में या ऑफिस में तभी सजाइएगा जब आपका कोई चाहने वाला आपके हित के लिए आपको लाफिंग बुद्धा भेंट करे यानी गिफ्ट करे। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी चाहने वाले को उसकी खुशहाली के लिए लाफिंग बुद्धा गिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं लाफिंग बुद्धा से जुड़ी ये खास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और अच्छी अच्छी सी जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।